हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है, वेलकम है पीसीबी कॉर्नर के इस ऑफिशियल चैनल पे। मैं धीरज सर, डेरिवेशंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये जो आज का वीडियो रहेगा, इसमें हम डेरिवेशन नंबर पार्ट टू, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो कल वाला जो हमारा वीडियो था, उसमें जो है एक वीडियो में जो है छह आपके डेरिवेशंस थे, जो कि उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे। और आज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के डेरिवेशंस को खत्म करते हुए चार डेरिवेशन गॉस लॉ के आगे जितने हैं, तो उसके बाद हम जो है फर्स्ट चैप्टर के सारे डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे, है नहीं है। तो ये इस वीडियो में जो है हम लोग चार के चार डेरिवेशन आपको बताएंगे जो भी बचे हुए हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मैंने सारे डेरिवेशन पहले से लिखे हुए हैं। देखो, समझाने से ज्यादा टाइम मेरे को लगा है उसको लिखने में। इसका मतलब मैं हर डेरिवेशन को लिखूंगा, डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको क्विक रिवीजन आपके लिए फायदे के लिए छोटी सा मतलब छोटी से छोटी वीडियो बने और उसका आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, आपका टाइम भी कम लगे। इसी तर्ज पे जो है मैं आपके सामने इसको पहले से लिख के आया हूँ। हालांकि मेरे प्यारे बच्चों, यार कल रात मैंने इसको लिखे थे, उसके बाद मैंने इसको सेव साफ करके उसके बाद जो है आज मैं इसकी वीडियो आपको बना रहा हूं, ठीक है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल टॉर्क एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, ये सब बता चुके हैं। आज बात करते हैं गॉस थ्योरम की। यार तुमने सुना होगा ये गॉस थ्योरम होता क्या है। मैं सबसे मेन सवाल है गॉस थ्योरम होता क्या है सर। मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज क्यू है, क्या है, कोई चार्ज क्यू है। अब आपको बताया सर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, है नहीं है। कोई चार्ज क्यू है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा, इसका मतलब क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर को निकल रही है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी क्लोज सर्फेस से होते हुए जा रही है तो फ्लक्स का फॉर्मेशन करती है। आपको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज सरफेस से होते हुए निकल रही हैं तो फ्लक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, फ्लक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमने क्या करना है, ये जो खुला चार्ज है ना, ये जो खुला चार्ज है इस चार्ज को हमने कर देना है कवर। क्या कर देना है, कवर कर देना है। वो कोई सी भी बॉडी हो सकती है, सिमेट्रिकल बॉडी हो सकती है। तो ये हमने इसके आसपास जो एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाया है इसको पता क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है सर, आगे बात करेंगे कब कब कैसे होगा, है नहीं है। ये स्फेरिकल भी हो सकता है। अगर कोई चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज है, अब देखिए, अब तुम ध्यान समझना, यह एक मेरा पॉइंट चार्ज है सपोज ये वाला। अब आपको पता है ये सब जगह, देखो सब जगह क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल लूंगी। देखो इस तरीके से सभी दिशाओं में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है। तो आप इसके चारों ओर एक सिमेट्रिकल सरफेस खींचेंगे, वो कैसा आएगा, स्फीयर आएगा सर। क्या आएगा, स्फीयर आएगा, है नहीं है। चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, चार्ज बंद होना चाहिए, तब जाके यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे ना बाहर को, वो फ्लक्स का फॉर्मेशन करेंगी। पता है फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स जो है वो चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये गॉस थ्योरम है नहीं है। आपने देखा होगा जैसे क्यूब है, क्यूब जैसे कमरा है, सेंटर पर हमने चार्ज क्यू रख दिया, बताओ ये क्यू इनक्लोज है नहीं है, तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसको इस फेस पर रख देता हूं, एच पर रख देता हूं, या कॉर्नर पर रख देता हूं, तो फ्लक्स तो अलग होगा ना। बताओ अगर मैं इस एक दीवार पर रख देता हूं, देखो यहां से तो क्लोज है लेकिन उधर साइड से क्लोज नहीं है, तो ऐसा जैसा एक क्यूब मेरे को उधर साइड चाहिए, अब जाके वो चार्ज जो है इनक्लोज है। अब समझ में आया नहीं है, बताओ दो क्यूब को मिला के वो चार्ज इनक्लोज हो रहा है, टोटल फ्लक्स कितना हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज करना है, फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों एक की वजह से कितना आ गया, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम यह होता है सर, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड अ क्लोज सरफेस इज वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। समझ में आया नहीं है, चार्ज क्लोज होना चाहिए, चार्ज अगर क्लोज है तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया नहीं है, चार्ज अगर क्लोज है तो फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर चार्ज क्लोज नहीं है तो फ्लक्स भी, टोटल फ्लक्स जीरो आएगा। समझ में आया नहीं है। मान लीजिए एक कमरा है, कमरे के बाहर मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, इस बोर्ड से इधर को आएंगे ऐसे करके, फिर
फिर उस सरफेस से बाहर को जाएंगे। देखो आने वाले फ्लक्स जाने वाले फ्लक्स के बराबर होगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। इसलिए उस चार्ज को जो है मेरे प्यारे बच्चों इनक्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर चार्ज क्लोज है, कवर्ड है, टोटल फ्लक्स कितना आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया नहीं है? तो हम जो है यहां पर हमने करा हुआ है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमने प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, हमने एक चार्ज लिया क्यू, है नहीं? आपको पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही है बाहर को। एक बॉल ले लिया, बॉल बॉल के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दो, देखो सब जगह से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नहीं निकलेंगी? तो आपने क्या कर दिया, उन सभी इक्विडिस्टेंस को मिला दिया, तो एक स्फीयर बन गया। क्या बन गया? स्फीयर बन गया। बात समझ में आई नहीं आई? अब हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक बॉल लिया, बॉल का एक छोटा सा हिस्सा से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या छोटा सा होगा? नहीं होगा, बताओ, है नहीं है? अब आप मुझे बताइए छोटा सा एरिया क्या है? डीएस है। कितना है भैया मेरे प्यारे बच्चों? छोटा सा एरिया कितना है? डीएस है। उस डीएस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, नहीं है? अब डीएस 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 को मिलाओगे तो टोटल एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन बाहर आ रही है वो फ्लक्स बना देगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक चार्ज क्यू लिया, उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस खींचा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ये कैसा भी हो सकता है, है नहीं है? तो हमने मान लीजिए एक छोटा सा एरिया डीएस था सर, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकल गया ई। कितना निकल गया भाई? ई निकल गया। तो आप मुझे बताओ आपका ये आपको प्रूफ करना है फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डीएस जो कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है भाई, अब आप मुझे ये बताओ आर डिस्टेंस पर इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी? सर बिल्कुल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता, नहीं होता बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट पर इस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बाहर को आएगा, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर को दिख रहा है आपको, ये ब्लू पेन से किया है मैंने, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब सारे देखो, अब यहां पर एक ds वेक्टर लिखा है मैंने, देखो ds वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है पता है? ds को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटसाइड टू द सरफेस। जैसे गोल बॉल है मेरे पास, एक ये मान लो बॉल है मेरा हाथ, है नहीं है? अब देखो इसका एरिया वेक्टर यहां को होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर को होगा, सबका एरिया वेक्टर बाहर को है। अब बताओ इस बोट का एरिया वेक्टर कहां को होगा? तुम्हारे साइड इधर को। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर को आ रही है, तो ई भी इधर को है और एरिया वेक्टर भी इधर को है। फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डीएस। डॉट मतलब हटा दो, कॉस लग जाएगा, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो। क्यों सर? ई भी इधर को ही है और थीटा भी इधर को ही है। बात समझ में आई नहीं है? तो सारे सारे के सारे डीएस बाहर को है ना? अरे सारे के सारे बाहर को डीएस है, एरिया बाहर को है सबका, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को ही है, तो एंगल कितना हो गया? जीरो का हो गया। कितना हो गया? जीरो हो गया। तो बताओ इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकला तो फ्लक्स भी तो छोटा ही होगा ना? फ्लक्स हमें तो पूरे सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना है, मैं एक छोटे से एरिया के कारण निकाल रहा हूं तो फ्लक्स भी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो छोटा सा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? ई डॉट डीएस। डॉट हटाएंगे, कॉस लगेगा, कॉस जीरो वन होता है, तो ई इंटू डीएस जो है वो मेरा फ्लक्स कहलाएगा, इस एरिया से निकल रहा है नहीं है? अब क्या करो सर? सर ये तो टोटल छोटे से एरिया डीएस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ फ्लक्स बना रहा है, वो ई डॉट डीएस बना रहा है। अब मुझे बताओ ऐसे कितने होंगे? सर असंख्य होंगे ना, असंख्य। सर ई डॉट डीएस यहां से, ई डॉट डीएस यहां से, यहां से, सब जगह से ई डॉट डीएस बाहर को आ रहा है। क्या करो? सबको जोड़ दो। कल भी बताया था ना, या तो आप जोड़ो भाई, सदियां लग जाएंगी, वरना मैथ्स में एक बहुत अच्छी चीज निकली है, जोड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो बस, इस ई डॉट डीएस का मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटू डी फाई, और डी फाई ये रहा, तो डी फाई की वैल्यू मतलब ई डॉट डीएस होगी, होगी नहीं होगी? ई डॉट डीएस या ई इंटू डीएस है, डॉट हटा दिया हमने। अब आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। अब ये क्या है? क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन इंटू डीएस। मतलब अब आओ यहां देखो, छोटा सा एरिया डीएस है, डीएस 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 मिलाओ, एक बार आधा हो जाएगा, आधा एरिया आ गया पूरा डीएस डीएस। एक बार ऐसा करो, एक टाइम ऐसा आएगा डीएस 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 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? पूरा एरिया बन जाएगा ना, पूरा एरिया। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr2। कितना होता है? 4πr2। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, बोल सकता हूं, फाइनल मेरा आंसर आ गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर का टोटल एरिया कितना है, और अगर इनकी रेडियस आर है, टोटल एरिया स्फीयर कितना हो जाएगा, 4πr2, कितना हो जाएगा 4πr2। अब मेरे बच्चों के की वैल्यू आप जानते हैं, ये है K³r2, K को ओपन कर दो, 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू 4πr2, 4πr से 4πr² कट गया है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, phi e बराबर आ गया Q/ε0, कितना आ गया, phi e इक्वल टू जो है Q/ε0 आ गया है, बात समझ में आई नहीं, तो phi e बराबर क्या आ गया Q/ε0, जो है हमने इसको जो है प्रूव कर दिया है, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, समझ में आ रहा नहीं यार, बताओ, अगर आपको मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको लग रहा है सर कोई सभी मेरे को डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाते हुए, ठीक है ना, है नहीं है, तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि आपको थोड़ी बहुत चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये बड़ा सिंपल है, और इसके बाद जितने भी डेरिवेशन है सब इससे रिलेटेड है, गॉस थ्योरम से रिलेटेड है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक, तो गॉस थ्योरम था Q=φ=Q/ε0, जिसको हमने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव कर दिया है। अगर आगे आने वाले डेरिवेशन में बात करें, अब आप देखिए क्या पूछ रहे हैं, कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है गॉस थ्योरम से, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा पेपर में आ गया कि प्रूफ करिए कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से, एक चीज बता दूं भाई, आपने इसको पूरा ऐसे ही करना है, इस पूरे को आपको ऐसे ही करना है, यहां तक, यहां तक आपको इसको ऐसे ही करना है नहीं है? पूरा ऐसे ही करेंगे आप, तो बताओ क्या दिख रहा है आपको, फाई बराबर दिख रहा है ई इंटू टोटल एरिया, क्या दिख रहा है, टोटल एरिया, है नहीं है? और phi बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है, होता नहीं होता है, और इंटू e, सॉरी, अरे phi=Q/ε0 है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और e इंटू टोटल एरिया, e हो गया ये, और टोटल एरिया कितना हो गया, 4πr² हो गया, समझ में आया, इसको मैंने यहीं से करा, देखो यहां देखे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला स्टेप मैंने उधर ले लिया, इधर देखिए, ये देखो, ये लिखा है मैंने phi बराबर e इंटू टोटल एरिया, तो phi की वैल्यू Q/ε0 रख दो, तो यहां से e बराबर कितना आ गया, E=Q/4πε0 इंटू r², और तो यहां से मैं बोल सकता हूं E=Q/4πε0 r², और इसको लिख सकता हूं K³r² लिख सकता हूं, तो यहां से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई, निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है K³r². अब मुझे तुम ये बताओ, एक चीज और है, अब मुझे तुम बताओ, ये मेरे पास स्फीयर था, ये Q था, और हमने एरिया यहां पर ds लिया था, जैसे पिछले वाले डायग्राम में, यहां से बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है भाई, सर जिसकी वैल्यू हमने ये बता दी है K³r², बात समझ में आई नहीं है, अब हमने क्या करना है, एक चार्ज यहां पर रख दो Q0, r डिस्टेंस पे एक चार्ज क्या रख दो, Q0 रख दो ना, सरफेस पे एक चार्ज Q0 रख दिया, अब मुझे बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q0 चार्ज कितना लगेगा बताओ, अरे किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है सर, वो जो चार्ज Q इंटू E से इंटू कर दो सर, समझ में आया नहीं है, और E की वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों यहां से रख दीजिए, तो फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, K³r² इंटू Q0, देखो कूलम्स लॉ प्रूफ हो गया, F=KQ Q0/r², देखो कूलम्स लॉ गॉस थ्योरम से प्रूफ कर दिया है, पेपर में आएगा तो ऐसे करना है, बात समझ में आई, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से मैं बता रहा हूं, आपने गॉस थ्योरम यहां तक तो कंप्लीट याद करना ही करना है, समझ के याद करो बस, रटना नहीं है, एक बार अगर समझ ले तो उसके बाद उसको पी जाओ, यहां तक आपको आना है phi बराबर e इंटू टोटल एरिया, मतलब यहां तक आ सकते हैं, phi बराबर e, e को आपने ऐसे रहने देना है, इंटू टोटल एरिया को 4πr² रख देंगे, तो जैसे हमने phi बराबर e इंटू टोटल एरिया रखा, टोटल एरिया को 4πr², इसको नीचे लेके आओ तो e की वैल्यू आ जाएगी K³r², अब उसके बाद एक चीज करना है, सपोज सरफेस पर हमने एक चार्ज रख दिया Q0, सपोज सरफेस पर एक चार्ज Q0 रख दिया, अब बताओ इसकी वजह इस पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा बताओ, लगेगा सर लगेगा, ये लगाएगा ना, उधर को खींचेगा, उधर बाहर को ले जाएगा, बाहर को, है नहीं है, तो फोर्स कितना लगेगा Q0 × E, कितना लगेगा Q0 × E, और E की वैल्यू आप जानते हैं ये है, इससे निकल जाएगा,
तो गॉस लॉ से कूलम्स लॉ अगर प्रूफ करने के लिए आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए इसको जल्दी से, बंद हो गया ना, चेक करता हूं एक बार कैमरा। सही है, अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। अब आप मुझे, अब तुम एक चीज देखो, मान लीजिए मेरे पास एक बहुत लंबा सा वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बीच में बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे तुम बताओ, मान लीजिए इस पूरे वायर में पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां को आएगा? सर सब जगह आएगा ना, इधर को ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ऐसे करके यहां से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, है नहीं है? तो इस तरीके से जो है चारों तरफ यहां से इधर से ऐसे करके सब जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, यहां से भी इधर को निकलेगा, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, ऐसे करके। अब मुझे तुम बताओ, अब मैंने क्या करना है, इसकी वजह से कहीं पर पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ? अरे सर जिस पॉइंट पर भी आपको निकालना है ना, अब देखो एक सरफेस बन जाएगा ना, कैसा सरफेस बनेगा बताओ? सिलेंड्रिकल बनेगा नहीं बनेगा बताओ? एक बोतल है मेरे पास, पानी की बोतल है, अब बीच में इसका एक वायर है, अब ये जो करंट कैरिंग वायर है या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसमें इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकलेंगी। तो जब मैं इसको इसके बीच में डालूंगा तो देखो ये ऐसे तो सरफेस बनाएगा अपने चारों तरफ, सिलेंड्रिकल सरफेस, कैसा सरफेस बनाएगा? सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएगा। अब मुझे बताइए इस बोतल का इधर को एरिया वेक्टर बाहर को होगा नहीं होगा बताओ? ये जो प्लेन है जहां पर मैं हाथ लगा रहा हूं, ये वाला प्लेन का एरिया वेक्टर कहां को होगा? बाहर को होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर को निकल दी है, तो एंगल कितना हो गया? जीरो। यहां देख लो, यहां देखिए एरिया वेक्टर डीएस वन और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को ही आ गया, आया नहीं आया बताओ? अब बताओ इस ऊपर वाले एरिया में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन तो ऐसे ही है, लेकिन एरिया वेक्टर तो ऊपर को होता ना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो एरिया वेक्टर इसका ऊपर को, देखो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल 90, फ्लक्स कितना हो गया? जीरो हो गया, कितना हो गया? जीरो। फाई बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 90। ऐसे देखो नीचे वाला सरफेस, अब ये वाला सरफेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे को ही है राइट साइड को, बट इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? नीचे को, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर नीचे है ना, इसका परपेंडिकुलर नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल जीरो कॉस 90, सॉरी एंगल 90 कॉस 90 जीरो, फ्लक्स भी जीरो हो गया। इसका मतलब फ्लक्स कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ जो इसके क्या है, ऐसे करके जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। देखो इस वाले का एरिया वेक्टर बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बाहर को आएगा नहीं, इस वाले एरिया वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बाहर को, एरिया वेक्टर ही बाहर, तो सारे के सारे जो है वो वाले एरिया वेक्टर फ्लक्स को फॉर्मेशन करेंगे जो इस सरफेस के पैरेलल होंगे, है नहीं है? बात समझ में आई है? आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब आप मुझे देखिए, अब भाई सबको जोड़ो ना, यहां का फ्लक्स को जोड़ दीजिए, यहां का फ्लक्स को जोड़ दीजिए, यहां पर का फ्लक्स को जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए मान लीजिए इस रॉड की लेंथ एल बन गई है, सिलेंड्रिकल रॉड की, और इसका जो रेडियस है वो आर है, बताओ टोटल फ्लक्स क्या आएगा बताओ? सबको जोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, एस का मतलब सरफेस हो गया, ई डॉट डी एस मतलब इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, तो क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन इंटू ई डॉट डी एस। यहां मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैंने तीन जगह फ्लक्स लिखा है, यहां पे और यहां पे। अब देखिए एस वन पर देखो, ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वन, डी एस वन ये रहा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस टू, डी एस टू ये रहा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस थ्री, डी एस थ्री ये रहा। अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही को है, डी एस भी इधर ही को है, एंगल कितना हो गया? जीरो। इस वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को है, डीएस ऊपर को है, एंगल कितना हो गया? 90। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को है, एंगल नीचे को हो गया कितना? सॉरी एरिया वेक्टर नीचे को है, तो एंगल कितना हो गया? जीरो आ गया, सॉरी 90 आ गया। तो इन दोनों के कारण फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। अब मैं एक चीज बताता हूं, ये जो अब देखो, अब यार ये तो एक ही, देखो छोटा सा एरिया डीएस है ना, छोटा सा एरिया डीएस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को आया, तो उसके कारण फ्लक्स छोटा सा है सर, उसके कारण फ्लक्स क्या है? छोटा सा है। वो कितना है सर? डी फाई। अब हम क्या करेंगे भाई, पूरे का इंटीग्रेशन ले लो ना, डी फाई 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 सबको जोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा?
है नहीं है? तो लास्ट में फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ई जो है वो ई, ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वन। डीएस वन मतलब, अरे भाई डीएस वन डीएस वन डीएस वन डीएस वन सबको मिलाओ, देखो डीएस वन डीएस वन डीएस वन सबको मिलाओ, डीएस 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 उधर डीएस इधर डीएस सब जगह डीएस डीएस को मिला दो, ये टोटल एक एरिया बन जाएगा इसका। सिलेंड्रिकल का एरिया कितना होता है, कितना होता है 2πRL, कितना होता है 2πRL। बात समझ में नहीं आई? तो हम फ्लक्स बोल देते हैं, टोटल जो फ्लक्स रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जो फ्लक्स रहने वाला है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर ऊपर से नीचे नीचे तक, जहां जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है उसका एरिया कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2πRL होगा। कितना होगा? 2πRL। अब आप जानते हैं फ्लक्स बराबर, गॉस थ्योरम से फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, नहीं होता बताओ? गॉस थ्योरम से फ्लक्स फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, q upon epsilon naught equals to e into 2πRL, तो e बराबर आ गया q upon 2πRL into epsilon naught। अब आप एक चीज देखिए, मान लीजिए इस टोटल रॉड पे चार्ज q है, तो यहां से मुझे लैम्डा पूछता है, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा मतलब क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ पे या टोटल एरिया पे, टोटल एरिया पे जो है, या टोटल लेंथ बोल दो यहां पर क्योंकि रॉड है ना, इसकी लेंथ एल है, टोटल लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है नहीं है? जैसे ये रॉड है, इसकी लेंथ एल है, इसमें चार्ज क्यू है, तो इसका लैम्डा कितना हो गया सर, चार्ज ओवर दिस रॉड। इस टोटल एल लेंथ वाले रॉड पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो मेरा कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्यू बराबर लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल हो गया, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। इस वैल्यू को बेटा यहां रख दीजिए, एल से एल कट जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πR इनटू एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, स्ट्रेट चार्ज वायर, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 नॉट इनटू R, या 2k लैम्डा बाय R भी बोल सकता हूं, 2k लैम्डा बाय R भी बोल सकता हूं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा बहुत जो है चीजें समझ में आ रही होंगी। भाई डायग्राम कुछ गलत बन गया है तो थोड़ी देर पहले वीडियो आगे पीछे करना, फिर आप डायग्राम को नोट कर सकते हैं, ठीक है? इसी से मिलता जुलता भाई एक और डेरिवेशन यार, लास्ट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। अब आप मुझे यह बताओ भाई, यह भी बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए यह है मेरे बुक है मेरी फिजिक्स की भाई, एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग मतलब बहुत पतला मान लो, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है पूरा, अरे इनफाइनाइट बहुत लंबी है, बहुत लंबी सीट है, बहुत लंबी। अब आप मुझे यह बताओ, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को होगा अवे, और इधर वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, नहीं होगा बताओ? तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रही होंगी, और सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा देंगे, है नहीं है? तो मुझे किसी आर डिस्टेंस पर मुझे निकालना है, तो मैं एक सरफेस बनाऊंगा ना, गॉसियन सरफेस, है नहीं है? तो इधर को बनेगा, तो पता है गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा बताओ? इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा? तो गॉसियन सरफेस मेरा इस तरीके से बन जाएगा, आपने सिमेट्रिकल बनाना है नहीं है? एक एक एरिया आप कंसिडर करिए, एक पॉइंट कंसिडर करिए आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर यहां से, और आर डिस्टेंस यहां पर जो है मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझ में आया नहीं? क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। अब यहां पर स्फेरिकल नहीं हो सकता है नहीं, तो क्योंकि यहां से इधर को भी फील्ड लाइन निकाल दी, इधर को फील्ड लाइन निकाल दी है, तो यहां इतना एरिया में लूंगा ना, इतने एरिया में, तो एक सिलेंडर बन रहा है, क्या बन रहा है, एक सिलेंडर जैसा बन रहा है, तो इधर को भी बन जाएगा और यहां भी बन जाएगा। तो मुझे इस सीट के कारण जो है मुझे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। अब मुझे तुम बताओ, इसको देखो, इस वाले हिस्से को देखेंगे आप, अगर बताओ अभी अभी बताया था ना मैंने आपको, चलो शीट को हटा दो, इसको देखो अब, इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर इधर को है, देख लो इसको, एरिया वेक्टर इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर को, एंगल कितना हो गया जीरो, cos 0 1। इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से का एरिया वेक्टर भी इधर को ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है, थीटा कितना हो गया जीरो हो गया, cos 0 1 हो गया। ऊपर वाले हिस्से को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेफ्ट राइट है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर ऊपर को है, एंगल कितना हो गया 90, इस एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर 90 एंगल, फ्लक्स कितना हो गया जीरो, तो फ्लक्स इधर और इधर,
मतलब इलेक्ट्रोफिल इधर और इधर की वजह से बन रहा है, बात समझ में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तीन चीजें कंसीडर कर लो, एक तो S2 सरफेस, एक तो S3 सरफेस, एक तो S1 सरफेस, है नहीं है। और हाँ, मान लीजिए सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि क्यू के टर्म में आंसर नहीं निकालेंगे, सिग्मा के टर्म में निकालेंगे, और यहां से सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्यू इनक्लोज, जो भी इनक्लोज चार्ज है, ये वाला जो भी है इनक्लोज चार्ज है, बंद वाला चार्ज हुआ है, इसके कारण फ्लक्स क्यू कितना होगा इसका, सिग्मा इंटू ए होगा, क्योंकि आप जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, क्या होता है क्यू अपॉन ए होता है, तो यहां से क्यू बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सर कुछ नहीं करना है सर, अब फिर से टोटल फ्लक्स कितना होता है सर, सर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटू ई डॉट डीएस होता, नहीं होता बताओ। अब आप देखिए सर इसका मतलब क्या हुआ, सर इसका फ्लक्स, यहां का फ्लक्स और यहां का फ्लक्स, तीनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा सरफेस वन के लिए, और जीरो आपको बताइए यहां पर इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इधर को, प्लस ई डॉट डी एस कॉस जीरो सरफेस टू के लिए, प्लस ई डॉट डी एस कॉस 90 ऊपर ये वाले सरफेस के लिए, कॉस 90 जीरो, तो फ्लक्स सिर्फ इधर की वजह से या इधर की वजह से आएगा। हरि भाई बताओ टोटल फाइव कितना हो गया, ई इंटू डी एस वन प्लस ई इंटू डी एस टू, ई तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया भाई, सिर्फ डीएस का एरिया, डीएस का एरिया, मान लीजिए इस इधर वाले का टोटल एरिया ए के टर्म में चाहिए मुझे, मान लीजिए इधर वाले का टोटल एरिया ए है, तो टोटल एरिया डीएस करेंगे तो डीएस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस 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 मिला दोगे तो ए, सपोज वो ए है मान लो एरिया है, है नहीं है, ए हो गया, प्लस इधर वाले का डीएस 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 मिलाओगे सबको जोड़ोगे तो एरिया ए के बराबर मान लो ए हो गया, तो टोटल फ्लक्स जो है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल फ्लक्स जो है वो कितना आ गया, ई ए प्लस ई ए टू ई ए, तो फ्लक्स कितना आ गया टोटल 2EA आ गया। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं आप, टोटल फ्लक्स जो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, इस वैल्यू को आप रखेंगे यहां पे तो 2EA बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू आपको पता है सिग्मा इंटू ए होता है, तो सिग्मा इंटू ए रखेंगे, ए से ए साफ हो गया, तो E की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहां से आ गई Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है नहीं है। क्या तुम सारे डेरिवेशंस को रिकॉल कर सकते हो, फॉर्मूले अपने माइंड में रिकॉल करो, ईमानदार से बताओ क्या याद हो गया क्या? ये डेरिवेशन जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, देखो यार मैं फिर भी समझा रहा हूं ये आए कैसे हैं, है नहीं है? मेरा मतलब मैं फिर भी ये समझा रहा हूं कि ये आए कैसे सर, ये सर निकल कैसे रहे हैं, गॉसन सरफेस बताने की मैंने आपको पूरी कोशिश करी है, डेरिवेशंस की सीरीज को मैं आपके सामने लेके आया हूं। आज मेरा दूसरा वीडियो था, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के डेरिवेशन यहां मेरे प्यारे बच्चों यहां पर खत्म हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, अगर नहीं है आपको मजा आ रहा है तो फिर भी कमेंट करिए, और हाँ अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दो इन डेरिवेशन को, उसको भी जरूरत है नहीं है? ऐसा नहीं कि आप ही पढ़ो आप भी नंबर लाओ, ऐसा नहीं लिखा है, है नहीं भाई, तो उनको भी आप उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में अगली वीडियो में। Thank you so much.